स्पोर्ट्स ऑन प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ मिस वर्ल्ड पाकिस्तान भी हैं, ये भी स्पोर्ट्स ऑन यहाँ बरतानिया में उसको देखती भी हैं और इंजॉय भी करती हैं। क्या मैसेज देंगी हमारी जो ऑन स्क्रीन टीम है, चौधरी इरफान ज़हीर और स्पोर्ट्स ऑन, हाउ डू यू फाइंड इट? जी अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक स्पोर्ट्स ऑन इज अ ग्रेट प्रोग्राम, सो शाउट आउट टू चौधरी इरफान ज़हीर, वेल डन, वेरी 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 हैप्पी विद इट, आई लव इट। और सबसे कौन सी चीज़ है जो पसंद करती हैं आप स्पोर्ट्स ऑन? वो जो एनालिटिक्स व्हेन दे एनालाइज एवरीथिंग एंड दे एक्सप्लेनिंग थिंग्स, तो वो मुझे बहुत पसंद करती हूँ। चौधरी इरफान ज़हीर साहब किस तरह लगते हैं ऑन स्क्रीन, देख रहे हैं? बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, गुड। क्या और टीम को आज क्या सवाल करेंगे? व्हाट्स योर क्वेश्चन फॉर द टीम आउट देयर? सो आई हैव अ क्वेश्चन, पाकिस्तान में क्रिकेट व्हाई इज इट ऑन द डाउन, व्हाई इज इट ऑन द डिक्लाइन? जी जैसा ज़हीर भाई आपने सुना कि मिस वर्ल्ड पाकिस्तान का यही सवाल है कि व्हाई इज़ द क्रिकेट ऑन द डिक्लाइन? जी बहुत शुक्रिया कासिम भाई आपका, और स्पेशल आपके साथ आज गेस्ट हैं मिस वर्ल्ड पाकिस्तान सीना शाह का, उनका भी बहुत शुक्रिया। देखिए जो क्वेश्चन आपने पूछा वो आपने डेफिनेटली पाकिस्तान के डिक्लाइन के हवाले से पूछा कि डिक्लाइन क्यों है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ अपने शोज में भी कहता हूँ कि जो कंट्री की टर्बुलेंस होती है वही रिफ्लेक्ट करती है आपके स्पोर्ट्स में, और एक सवा साल या डेढ़ साल के टेन्योर में हमारे चार चेयरमैन चेंज हुए, और अभी आप सब जानते हैं कि एशिया कप और वर्ल्ड कप में जो डिज़ास्टर हमने देखा कि एक जो चेयरमैन आता है वो अपनी टीम लेके आता है, उसके तमाम थिंक टैंक चेंज होता है, और वो फिर आपकी समहाउ फिर नई मैनेजमेंट अपने रूल एंड रेगुलेशन लेके आते हैं। इसका सोल्यूशन अल्टीमेटली मेरे ख्याल में ये है कि आपका चेयरमैन को एटलीस्ट मिनिमम 3 ईयर या मैक्सिमम 5 ईयर देना चाहिए। होता क्या है कि पैटर्न चीफ जो है वो PM है, और PM जब चेंज होता है, जब वो अपनी टेन्योर पूरा नहीं कर पाते, तो फिर नीचे जो आपका चेयरमैन भी होता है वो भी उनकी मर्ज़ी का बंदा लगता है। होना तो ऐसे चाहिए कि इलेक्शंस हो, इलेक्शंस के थ्रू एलोकेशन हो, बट सम हाउ पाकिस्तानी सिस्टम में जो PM अपॉइंट करते हैं या जिनको सेलेक्ट करते हैं एज ए चेयरमैन PCB, बाकी बोर्ड ऑफ गवर्नर भी उन्हीं को इलेक्ट करते हैं। तो ये तो एक अल्टीमेट सोल्यूशन है जिसकी तरफ हम बात कर सकते हैं। एक प्रपोज़ल इसमें यह भी है कि अगर प्रेजिडेंट अगर आपका पैटर्न चीफ बन जाए तो वो भी एक सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में देखा जाता है कि प्रेसिडेंट जो है वो सम हाउ 5 साल अपने ज़रूर पूरे करते हैं। तो बाकी रही स्पोर्ट्स की बात, तो हम देख रहे हैं कि तमाम स्पोर्ट्स अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। सिर्फ एक स्पोर्ट में क्रिकेट बचती है जो पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट में, हम पूरी दुनिया में अपना नाम हम पैदा कर रहे हैं, बट डर ये है कहीं ना कहीं हम उसी तरह ना उसी डगर पर ना चल पलें जिस तरह हमने बाकी स्पोर्ट्स के अंदर अपना बुरा हाल किया। तो ये मेरा ख्याल एक ऐसी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान को कंसर्न ज़रूर है, हमें भी है। अच्छे लोग आएँ, ऑनेस्ट लोग आएँ, जैसे हम बात करते हैं राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, वो जब लगेंगे तो मेरा ख्याल है आई एम होपफुल कि ये चीज़ें बेहतर होंगी और पाकिस्तानी क्रिकेट दोबारा फ्लरिश करेगी। थैंक यू।